आपने बिल्कुल सही देखा, क्या देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का और क्लास 10, सबसे बड़ी बात जो है कि चैप्टर वाइज मिलने, चैप्टर वाइज मिलने का क्या फायदा होने वाला है, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो और उस चैप्टर के क्वेश्चन और उसके पेपर जो आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस प्लस एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए हम अपने अगले नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं, या क्वेश्चन जो हमारा अगला है उसकी तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, किसका, 96 एंड 120 का। तो 2023 में पूछा गया था, पांचवें पेपर का पहला सेट था, पांचवें पेपर का पहला सेट था। अब इसको करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल देते, इन्होंने सबसे पहले दो नंबर दिया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 होता है, बचा 1 रह गया, 2 8 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा, 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो किस, सॉरी 2 से डिवाइड होगा, अभी 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 120, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60, फिर 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15, ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। पहला काम हमने फैक्टराइजेशन करा, अब इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह लिखना है, तो उसको 96 को अगर हम लिखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 5 बार है, और फिर क्या आने वाला है, 3, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। चलिए ये मिल गया, फिर 96 तो हो गया, फिर 120 का इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल जो मिलने वाला है क्या आपको, 2 की पावर 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 5। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया, अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो दोनों में मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर, जो दोनों में नहीं मिल रहा है तो उसको भी लेना है, तो 2 की पावर 5, इसके बाद 3 दोनों में मिल रहा है इसका 3 का जो हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 5 दोनों में नहीं मिल रहा है इसका आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 30 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 जा 30, कैरी 3, 45 में 480 आ गया इसका, क्या आंसर आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है उसका लोवेस्ट पावर और जो नहीं मिलता उसको बिल्कुल नहीं लेना है, इसका मतलब 2 की पावर 3 इसका हो जाएगा, और 2 की पावर 3 के साथ साथ 3 भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है मल्टीप्लाई 3, तो यहां हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24, इसका आंसर जो हो गया 480 और 24। एलसीएम और एचसीएफ 2-3 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा, और देखो कितना आसान है, ऐसी आसान लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।